अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला परेशानियों बीमारियों से हम सबको दूर रखे, अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। हम सिटी मैक्स बच्चों की शॉपिंग करने आए थे वेकेशन पे जाने के लिए, तो अभी बच्चों की कुछ पैंट शर्ट लेनी है और एम&M नाइक की हुडी लेनी है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ से मुझे क्या चीज़ समझ आती है तो मैं फिर वो लूँगी। यहाँ पर विंटर की सेल लगी हुई थी जैकेट्स वगैरह की, और कुछ पे फुल प्राइस लगे हुए थे और कुछ पे हाफ़ प्राइस लगे हुए थे। तो मुझे यहाँ पर याया की टी शर्ट अच्छी लगी फुल स्लीव्स की, जो मैंने ये ली है। और ये बैग मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे फिर मैंने इसमें देखा कि इसमें बीच में कोई वो पॉकेट नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैंने इसे छोड़ दिया। और फिर जो है मैंने एम&M मिनाल की हुडीज ली, और इनको वो बहुत पसंद आती हैं ताकि वो सर्दियों में अच्छी चल जाती हैं। यहाँ पर स्वेटर भी लगे हुए थे बच्चों के, लेकिन मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहे थे इस वजह से इसकी क्वालिटी, तो इस वजह से मैंने ये स्वेटर नहीं लिए। और ये इनकी हुडियाँ सी यहाँ लगी हुई थी, तो ये हुडी ली थी, ये कुछ बच्चों को अच्छी लगती है, कंफर्ट भी रहती है, तो इसलिए ये ले ली थी। और ये जैकेट्स लगी हुई हैं हाफ स्लीव्स की, तो ये ली थी। और तो यहाँ से हम नेस्ट्रो जा रहे हैं, मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए यहाँ हम नेस्ट्रो पहुँच गए हैं। तो यहाँ से मुझे कुछ मार्क्स के डिब्बे लेने थे और कुछ मुझे चॉकलेट लेनी थी, जो क्योंकि यहाँ पर चॉकलेट्स की काफ़ी वैरायटी है जो मुझे गिफ्ट में देनी थी, और चॉकलेट के साथ कुछ थोड़े गिफ्ट भी लेने थे जो बच्चों के टॉयस वगैरह दो तीन, तो वो भी लेने थे, इसलिए मैं नेस्ट्रो आई थी। तो ये यहाँ पर भी टी शर्ट्स और ये फ्रॉक्स की ऑफ़र लगी हुई थी नेस्ट्रो में भी, लेकिन ये इन दोनों को मैंने एम&M और मिनाल को दिखाया, इन दोनों को समझ नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से यहाँ से तो नहीं ली, क्योंकि हम सिटी मैक्स ऑलरेडी ले चुके थे तो हमने नहीं लिया यहाँ से। अब ये जो है मैंने एक इसमें अबाया देखा था। नेस्ट्रो के बाद हम यहाँ फाइव ट्रायल शॉप पर आ गए थे, जो हेयर पिंस लेनी थी इन दोनों को, और जो स्कार्फ में लगाते हैं पिंस वो लेनी थी, तो वो यहाँ पर सही मिल जाती हैं, इस वजह से यहाँ पर आए थे हम शॉपिंग करके। रात को 11:30 बजे हम घर वापस आए, फिर इसके बाद हमने डिनर किया, उसके बाद जो है हमने पैकिंग की, क्योंकि सुबह हमारी फ़्लाइट थी तो जल्दी जल्दी हमने पैकिंग की। तो पैकिंग करते करते रात के 3:30 हो गए थे, फिर हमें सोने में काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन सुबह हमारी फ़्लाइट भी थी अर्ली मॉर्निंग, तो फिर हम थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर अब सुबह की हमारी फ़्लाइट है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, वहाँ पर बारिश भी हो रही थी और हम थोड़ा देर में भी उठे थे, क्योंकि रात को डेट नाइट हम सोए थे और हमारी 11:45 पे फ़्लाइट थी और हम 9 बजे घर से निकले थे, तो थोड़ा हम लेट पहुँचे यहाँ पर। तो अब जल्दी जल्दी अब फिर अंदर जाके चेक इन करेंगे। हम यहाँ तमाम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेदर बड़ा अच्छा हो रहा था आज, हल्की हल्की फुहार हो रही थी, अब दिल नहीं चाह रहा था जाने का, क्योंकि वेदर बहुत दिनों बाद यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ था। तो अब हम चेक इन करने जा रहे हैं। चेकिंग हमने कर लिया था, चेकिंग में काफ़ी टाइम लग गया था, काफ़ी लंबी लाइन थी, और अब हम जा रहे हैं वेटिंग एरिया की तरफ। डिपार्चर ऑन में हमने सिर्फ 15 मिनट स्टे किया, फिर यहाँ पर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, फिर हमने बोर्डिंग कराई अपनी और फिर हम प्लेन में आ गए थे। ये
वहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी 25 मिनट्स की, और अब हम बहरीन एयरपोर्ट पहुँच गए, तो अब यहाँ से हमारी कराची की फ़्लाइट है। ये फ़्लाइट 2 आवर्स और 30 मिनट्स की थी। ये फ़्लाइट में हमें लंच मिला था। यहाँ पर अब कराची हम पहुँचने वाले हैं और जहाज़ लैंड होने वाला है, और यहाँ पर कराची का टाइम क्या हो रहा है, 7 बज रहे हैं शाम के। अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची पहुँच गए हैं आफ्टर 2 इयर्स वेकेशन में। यहाँ से हमने अपना लगेज कलेक्ट कर लिया था, उसके बाद अब हम बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर मेरा भाई आ गया था हमें लेने के लिए, और 2 साल के बाद हम लोग की मुलाकात होगी अब अल्हम्दुलिल्लाह, और अम्मी अब्बू से भी मिलेंगे और बहन भाइयों से, और ये बच्चे अपने दादी से पप्पी से सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आज के ब्लॉग में इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।